वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में आपको एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन 23 तक करवा दिए थे, तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 24 शुरू कर रहा हूं। तो वी हैव एक्सरसाइज 6.5 मैक्सिमा मिनिमा। क्वेश्चन नंबर 24 इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी स्टेटमेंट समझे तो कोई ना कोई एक क्वेश्चन 6 नंबर में जरूर आएगा, तो बड़े आराम से कर रहे हैं हम। शो दैट राइट सर्कल कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया। तो एक राइट सर्कल कोन है तो उसका सरफेस एरिया दैट इज कर्व सरफेस एरिया। तो लीस्ट किसके साथ लिखा है? लीस्ट मतलब मिनिमम कर्व सरफेस एरिया। हमें एक कोन का कर्व सरफेस एरिया मिनिमम प्रूव करना है, यहां तक हमें यह समझ आया। और हमें गिवन है उस कोन का वॉल्यूम, हमें गिवन है। और सेकेंड हमने प्रूव करना है जो अल्टीट्यूड है, हाइट है कोन की, इट इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस। ये सेकेंड पार्ट है। तो देखिए, सबसे पहले हमने एक राइट सर्कुलर कोन बना लिया। मान लो ये राइट सर्कुलर कोन है, ये इसका वर्टेक्स है, यहां से ये सेंटर पॉइंट पे सर्कुलर बेस के, ये मान लो ओ है, मान लो इसको ज्वाइन किया, तो सेंटर को सर्कल के किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करो वो रेडियस है, तो आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेस। और बच्चों, ये आपका वर्टेक्स है, मान लो ये कैपिटल ए इसका नाम है। तो राइट सर्कल कोन मतलब ये अल्टीट्यूड और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये इंफॉर्मेशन गिवन है हमें, एक राइट सर्कल कोन है, हमने उसका सपोज कर दिया आर बी रेडियस, आर बी द रेडियस ऑफ राइट सर्कल कोन, एंड एच बी अल्टीट्यूड जिसे आप हाइट बोलते हैं कोन की, ये हाइट को एच मान लिया। तो बच्चों, हमें क्वेश्चन में लिखा है कि राइट सर्कल कोन है, हमने प्रूव करना है कि उसका कर्व सरफेस एरिया मिनिमम है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? मान लो सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया जिसको मैंने कैपिटल ए से डिनोट कर दिया, सॉरी कैपिटल एस या ए किसी से भी डिनोट कर सकते हो, चलो ए से कर दो, व्हाटएवर जो आपकी मर्जी है। तो एरिया है, इससे मैंने ए से डिनोट कर दिया। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? पाई आर एल, सिर्फ ये वाला, ठीक है, इसमें सर्कल एरिया नहीं होता। तो टोटल सरफेस एरिया होता है, तो उसमें पाई आर स्क्वायर भी प्लस कर देते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। तो हमारे पास कर्व सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला है। हमने इस एरिया को मिनिमम प्रूव करना है जब हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ द कोन, सपोज कर लो बी है। तो ये जो चीज गिवन होती है तो वो बच्चों फिक्स होती है। तो वॉल्यूम इज गिवन, इट मींस हमने वॉल्यूम को बी सपोज कर दिया, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बच्चों, ये जो आपकी तिरछी लाइन है, इसे स्लांट लाइन, ये एल होती है, हम जानते हैं, छोटी क्लास में पढ़ा है, इट इज स्लांट लाइन एल, एल से भी नोट करते हैं। तो देखिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में वी हैव पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां से हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, सो स्लांट लाइन की वैल्यू आ गई। तो हमने देखिए बच्चों, ये एरिया में वापस गए क्योंकि हमें एरिया को प्रूव करना है, हाँ जी, मिनिमम। तो एरिया कितना है? पाई आर एल। तो यहां से हमने एल की वैल्यू निकाली क्योंकि हमें गिवन इंफॉर्मेशन में से जहां तो आर की वैल्यू निकालनी है, जहां तो एच की वैल्यू निकालनी है, ताकि जिस फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है वो सिंगल वेरिएबल में आ जाए। तो हमने सबसे पहले एल की वैल्यू निकाली और इसमें पुट की। अब हम गिवन इंफॉर्मेशन में से आर की वैल्यू, आर स्केल की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए, तो गिवन क्या है? ये आपको गिवन है, तो यहां से 3b ओवर पाई एच इक्वल टू आर स्केल, वो जो हमने आर स्केल की वैल्यू निकाल दी। फिर हमने आर स्केल की वैल्यू कैपिटल ए में पुट कर दी। देखिए बच्चों, यहां पे आर दो बार आ रहा है, तो इसका मतलब हमें एच की वैल्यू निकालनी चाहिए। तो हम यहां से एच की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि आर की वैल्यू अगर निकालते हो तो क्वेश्चन लेंथी हो रहा है, तो हम कोशिश करते हैं कि यहां से एच निकालते हैं। तो यहां से एच कितना आ गया? 3b ओवर पाई आर स्क्वायर। आई होप समझ आ रहा है सबको। तो हाइट की वैल्यू हमने इस एरिया में जाकर पुट कर दी,
देखिए क्योंकि h एक बार है तो h की वैल्यू पुट करनी आसान है, तो h स्क्वायर है 9v स्क्वायर ओवर pi स्क्वायर r की पावर 4, तो बच्चों a बन गया pi r, यहां से इनको अंडर रूट में है तो एलसीएम भी है, ये बन गया pi स्क्वायर r की पावर 6 9v स्क्वायर, तो अंडर रूट से जब ये बाहर आएगा तो देखिए पाई स्क्वायर का अंडर पाई बन जाएगा, आर फोर का अंडर रूट आर स्क्वायर बन जाएगा, तो बच्चों ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया आपके पास आएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 6 प्लस 9 बी स्क्वायर ओवर आर। तो एक बार फिर से समझाएंगे, तो क्वेश्चन है एक राइट सर्कल कोन है, तो उसमें हमें पता है ये अल्टीट्यूड हाइट होती है, ये रेडियस होता है और ये स्लांट हाइट होती है जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, तो हमने प्रूव करना है कि इसका एरिया दैट इज कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं करते, तो कर्व सरफेस एरिया को मिनिमम प्रूव करना है, तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर है, लेकिन हमें गिवन है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हम जानते हैं जिसको भी हमें मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना है उसको सिंगल वेरिएबल में लाना है, लेकिन एल की वैल्यू तो पता नहीं है हमारे पास, तो सबसे पहले हमने एल की वैल्यू इस फिगर से निकाली पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, तो पाइथागोरस थ्योरम से एल की वैल्यू आ गई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए अब इसको सिंगल वेरिएबल में बनाने के लिए या तो पूरा क्वेश्चन आर में लाएंगे या तो पूरा क्वेश्चन एच में लाएंगे, तो हमने यहां से एच की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि अगर आर की वैल्यू निकालते हैं तो दो बार पुट करना पड़ता, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती, तो यहां से एच निकल गया। ओके सो 3v ओवर पाई आर स्क्वायर, तो ये एच की वैल्यू यहां पुट कर दी गिवन इंफॉर्मेशन से, एच की वैल्यू निकाली और ए में पुट कर दी, तो देखिए यहां पे आपने एलसीएम लिया और अंडर रूट पाई स्क्वायर पाई बन गया, आर की पावर 4 का अंडर रूट कटिंग करके आर की पावर 2 बन गया, तो बाहर गया आर से आर कट गया पाई से पाई कट गया, तो दिस इज एरिया फंक्शन जिसे हमें मिनिमम प्रूव करना है, तो बच्चों इसे मिनिमम प्रूव करना है तो हमारे पास v तो कांस्टेंट है, जो चीज गिवन होती है वो फिक्स होती है, सो डेरिवेटिव कभी भी विद रिस्पेक्ट टू v नहीं होगा, वो तो गिवन है, तो बचा गया r हमने सपोज किया था, तो हमने डेरिवेटिव ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू r करना है, क्लियर है सबको? ओके तो सबसे पहले हम इसका सिंगल डेरिवेटिव करेंगे, क्वेश्चन रूल से बड़े आराम से हो जाएगा da / dr, तो देखिए क्वेश्चन रूल क्या बोलता है, नीचे वाले का स्क्वायर कर देंगे, हाँ जी बच्चों ये फर्स्ट है ऊपर वाला सेकंड फंक्शन है, तो देखिए तो सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है अल्टीट्यूड हाइट इज अंडर रूट 2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस, याद रखेंगे बच्चों इस पे क्वेश्चन रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव पावर रूल से होगा, तो पावर रूल बोलती है कि इसकी पावर 1/2 नीचे उतर गई और इसकी होल पावर -1/2 हो गई, तो -1/2 नीचे जाके हाँ जी अंडर रूट बन जाएगी 9b स्क्वायर, और इस अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ये पाई स्क्वायर कांस्टेंट एज इट इज देखिए इनटू 6 आर की पावर 5, और 9b स्क्वायर कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, आई होप क्लियर सबको, तो कुछ ऐसा हो गया, तो बच्चों फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव, सेकंड का किया तो माइनस यहां पे माइनस ठीक है माइनस सेकंड फंक्शन एज इट इज पाई स्क्वायर, कैलकुलेशंस बड़े आराम से करनी है तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, इनटू डेरिवेटिव फर्स्ट का वो तो वन ही होगा, तो बच्चों देखिए यहां पे सिंगल डेरिवेटिव हमारे पास आ गया, तो क्या करेंगे डी ए बाई डी आर, तो देखिए 2 से 6 कैंसिल हो रहा है तो ये क्या बच रहा है 3 पाई स्क्वायर आर इंटू आर की 5 आर की 6, साथ में आपने एलसीएम ले लिया, जैसे ही बच्चों एलसीएम लिया माइनस है इसलिए ब्रैकेट रख दी, अंडर रूट कैंसिल हो गया और ये डिनोमिनेटर आर स्क्वायर के साथ चल गया, ये आ गया पाई स्क्वायर आर की पावर 6 प्लस 9v स्क्वायर, तो ये आपका सिंगल डेरिवेटिव आ गया, समझ आ गई सबको बच्चों, तो ये आपने स्टोर रखना है, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी आपको, हाइट
इक्वल टू 3b ओवर पाई आर स्क्वायर, ऐसे क्लियर सबको। तो देखिए अब हमने सिंगल डेरिवेटिव को जीरो पुट करना है, तो बच्चों सिंगल डेरिवेटिव को जीरो पुट करेंगे ताकि वहां से आर की वैल्यू मिल जाए। तो क्या लिखेंगे, पुट सिंगल डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो। सिंगल डेरिवेटिव कौन है ये नंबर, इसको ओपन करें, 3 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस 9 पाई स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इनटू अंडर रूट पाई स्क्वायर आर की पावर 6 प्लस 9 पाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर बच्चों 0 बन गया, तो ये 3 टाइम्स है ये 1 टाइम, पाई स्क्वायर आर की पावर 6 कॉमन आ गई दोनों में से, तो 3 माइनस 1 2 बची इक्वल्स टू 0। तो यहां से बच्चों देखिए 2 पाई स्क्वायर आर की 6 9 पाई स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से बच्चों देखिए आर की पावर 6 आ गई 9 पाई स्क्वायर ओवर 2 पाई स्क्वायर, तो आर की पावर 6 आ गई जब आर आ गई, एक ही बात है आर की आने के लिए ये 6 है ना बच्चों, तो ये इधर जाकर होल पावर 1/6 बन जाएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो आर की वैल्यू मिल गई, यहां भी छोड़ सकते हो ये भी लिख सकते हो। फिर आपने देखिए बच्चों क्वेश्चन 6 मार्क्स में है, तो 6 मार्क्स का ऑलरेडी क्वेश्चन लेंथी हो चुका है, तो अगर आप इसको एक बार फिर से डेरिवेटिव करोगे हमारा टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा, समझ लगी सबको। ओके, तो देखिए अगर आप इस फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव करते हो, ये ऊपर है ये नीचे है, तो थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी और होना है और काफी टाइम कंज्यूमिंग है, तो इस केस में अगर आप सीधा ही कह दो कि इस आर की वैल्यू के लिए लिखो क्लियरली, हाँ जी बच्चों 4 आर इक्वल टू दिस और आर इज टूपर 6 इक्वल टू 9 वी स्क्वायर ओवर 2 पाई स्क्वायर, हाँ जी आप लिखोगे सीधा ही क्लियरली क्लियरली फॉर दिस वैल्यू ऑफ आर और आर की पावर 6 इक्वल टू दिस, वी कैन से दैट डबल डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि हमने प्रूव करना है एरिया लीस्ट, तो एरिया लीस्ट कब होगा जब डबल डेरिवेटिव उसका नेगेटिव होगा। तो अगर आप इसको फिर से डेरिवेटिव करना चाहते हो तो थोड़ा सा बच्चों टाइम और लगेगा, क्वेश्चन 6 मार्क्स का है ऑलरेडी लेंथी है, तो इट इज जस्ट सफिशियंट, एग्जामिनर समझता है इस बात को कि अगर आप सीधा ही बोल दो कि इस वैल्यू के लिए डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, जहां से आप डबल डेरिवेटिव निकाल के रख सकते हो, नहीं तो सीधा ही लिख दो, देयरफॉर यू कैन से डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मींस एरिया इज मिनिमम, कब मिनिमम है जब आर की वैल्यू ये है, जब आप कह सकते हो आर की 6 इक्वल टू 9 पाई स्क्वायर ओवर 2 पाई स्क्वायर, तो ये तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया। तो सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि देखो जो एल्टीट्यूड इक्वल टू हाइट ऑफ द कोन इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस, तो यहीं से प्रूव हो रहा है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो अगेन 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 इक्वल टू 9 पाई स्क्वायर, तो हमने प्रूव करना है अल्टीट्यूड दैट इज हाइट ऑफ द कोन इज अंडर रूट 2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस। तो बच्चों हमें h चाहिए और रेडियस चाहिए, रेडियस तो है लेकिन v को अगर खत्म कर दो तो v कितना है वॉल्यूम ऑफ द कोन, वो कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, आई होप क्लियर है सबको। तो यहां से v की वैल्यू आ गई, देखिए बच्चों तो v स्क्वायर कितना बन गया पाई का स्क्वायर आर की पावर 4 h का स्क्वायर ओवर 3 का स्क्वायर, तो 9 v स्क्वायर की वैल्यू, जब v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो यहां पे एक ही बात है पाई स्क्वायर आर की 4 h स्क्वायर ओवर 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो वी हैव 2 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 इक्वल्स टू पाई स्क्वायर आर 4 h स्क्वायर, देखिए पाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, ये आर की 4 पावर से 6 पावर है, तो आपके पास 2 टाइम्स आर की 2 पावर हाइट स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए h को h स्क्वायर मिला हमें तो हाइट चाहिए, तो अगर स्क्वायर खत्म करोगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, तो बच्चों अंडर रूट 2
RCM number root R. We have proved that height of the cone is under root 2 times radius of the base. तो बच्चों सिर्फ हम एक सम नहीं करवाया है, आराम से कर रहे हैं क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, आप लिख के देखेंगे तो दो क्वेश्चन रहे हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर न्यू चैप्टर शुरू करेंगे. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर.